ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। नई दिल्ली से देहरादून की दूरी को ये कॉरिडोर 2.5 घंटे पर समेट देगा। इस कॉरिडोर और शुरुआती हिस्सा एलिवेटेड रिलैक्स पर है और ये दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास शुरू होगा। इस कॉरिडोर के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियां होंगी, इसलिए इसका नाम इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा गया है। दिसंबर 2024 तक इसका कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जमीन अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है, किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है और एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे का बड़ा लाभ बागपत और शामली जिले को ही मिलेगा। ये दोनों जिले में तुलनात्मक रूप से NCR में आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद यहां तेजी से रिहायशी और औद्योगिक गतिविधियां होंगी।